गया बेटा, सोने की कोशिश करो। पता नहीं माँ, नींद ही नहीं आ रही है। बार बार दिमाग में यही ख्याल आ रहा है कि परी मोहना के पास है। पता नहीं मोहना उसके साथ क्या कर रही होगी। पिया, अगर तुम सोओगी नहीं तो भाभी डायन और परी को कैसे ढूंढोगी? अंश, एक काम करो, मुझे और नींद की गोलियां दे दो। नो वे पिया, तुम पहले से 3 गोली खा चुके हो। अंश प्लीज, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हें तुरंत नींद आ जाएगी। अगर मैं पिया को डसूंगी तो जहर के असर से पिया सो जाएगी। क्या? उसे सोना नहीं, मरना कहते हैं। इनके जहर से पिया की जान चली जाएगी। नहीं जाएगी, पिया के अंदर बस थोड़ा सा जहर जाएगा जिसकी वजह से उसको बस नींद आएगी। नहीं, ठीक है। पिया, क्या ठीक है? तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। आज हमें ये रिस्क लेना होगा, परी को बचाना है ना। मैं तैयार हूं। अगर पिया को कुछ भी हुआ तो मैं पूरे सरपंच का नामो निशान मिटा दूंगा। मुझे मोहना चाहिए और पिया इस वक्त मोहना तक पहुंचने का इकलौता जरिया है और मैं पिया को कुछ नहीं होने दूंगी। अंश, परी देखी। क्या देखा तुमने सपने? मैंने देखा मैं परी के पीछे भाग रही हूँ और वो बार बार बादलों के पीछे गायब हो रही है। उसके हाथ में एक खिलौना था जो मेटल का था, जिसके साथ वो खेल रही थी। और क्या देखा पिया, बोलो। और कुछ नहीं देख पाई, सब बादल ही बादल थे इसलिए कुछ दिख नहीं रहा था। जमीन पर रही है तो? नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई और मतलब होगा। डोंट वरी चाची, जब तक परी नील हिम में है तब तक वो सेफ है। लेकिन अंश, नील हिम भी तो परी को सिर्फ पूर्णिमा की रात तक सुरक्षित रख सकता है ना। भाभी, पूर्णिमा आज है। हमारी परी मोहना के पास है। अरे क्या पता वो हमारी परी को नील हिम में उसने रखा ही ना हो। आई थिंक हमें परी को ढूंढने में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। पिया, बताओ और क्या देखा तुमने? अंश, वहाँ सिर्फ बादल ही बादल थे और कुछ नहीं था। परी मुझसे दूर भाग रही थी और उसके हाथ में मेटल का खिलौना था। वो बादल किस जगह थे? पता नहीं अंश, मुझे कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था। पिया, याद करने की कोशिश करो, कुछ तो जरूर होगा। थिंक पिया, अगर परी तुम्हारे सपने में आई है तो वो तुम्हें कुछ कहना चाह रही है। तुमने जो भी देखा है उसमें वहां तक पहुंचने का कोई ना कोई क्लू जरूर है। थिंक हार्ड पिया। घास, जमीन पर घास उगी हुई थी। कैसी घास? पीले रंग की घास। पीले रंग की घास? पीले रंग की घास कहां हो सकती है? वहां बादल भी थे, हो सकता है वो जगह किसी हाइट पर हो।
पहाड़ तो हर जगह है, मुंबई में भी है और लोनावला खंडाला महाबलेश्वर में भी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाभी डायन परी को लेके किस पहाड़ पर गई है? डायन द्वीप, मोहना परी को डायन द्वीप ले गई है। सोचा नहीं था कभी चुड़ैल भी मेरे इतने काम आ सकती है। अब ना तो कोई मुझे ढूंढ पाएगा और ना ही कोई मुझे रोक पाएगा। कुछ ही देर में पूर्णिमा का चांद निकलेगा, उसके बाद मैं वो विधि शुरू करूंगी जिससे सब कुछ बदल जाएगा। तुम भी, और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा परिवार भी पूरी तरह बदल जाएगा। द्वीप को तो इसी जंगल के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन वो गया कहाँ? आज हम इधर उधर भटक के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द डायन द्वीप को ढूंढना होगा। पिया, यही वो जगह है जहां से हम डायन द्वीप गए थे। इसका मतलब डायन द्वीप यही कहीं होना चाहिए, उस तरफ। मुझे ये जगह अच्छी तरह से याद है अंश। अंश, वहां उस तरफ उस घने जंगल के बाद डायन द्वीप दिखेगा। चलो, लेट्स गो। जी निशान जी, आपको याद है मोहना ने आपको एक अंगूठी दी थी? हाँ दी थी। वो कोई मामूली अंगूठी नहीं है वेत्री जी, वो एक बहुत ही शक्तिशाली डायन अस्त्र है। डायन अस्त्र? जी, जब मोहना बदल गई थी तब उसने वो अंगूठी आपको दे दी थी। उसे लगा था कि आपको या उसे उस अंगूठी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंश और गुड़िया को मोहना का मुकाबला करने के लिए उस डायन अस्त्र की जरूरत पड़ेगी। लेकिन निशान जी, वो अंगूठी अब मेरे पास नहीं है। मोहना जब परी को लेने आई थी तो उसने वो अंगूठी मुझसे छीन ली थी। इसका मतलब है कि वो अंगूठी सच में एक डायन अस्त्र ही है। और जब मोहना को पता चल गया कि आप लोग अब भी उसके दुश्मन हैं, तो उसने वो अंगूठी आपसे छीन ली। तो आप क्या करेंगे निशान जी? वो अंगूठी तो अब हमारे पास है नहीं। अगर होती तो हम अंश और गुड़िया की मदद कर सकते थे, और अंश और गुड़िया उसकी मदद से मोहना को हरा सकते थे। एनीवे, आप फिक्र मत कीजिए, सभी और मैं मिलकर कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। डायन द्वीप कहाँ गया? भाई तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, होना तो यही चाहिए। अरे कहाँ गया? इतना बड़ा डायन द्वीप गायब कैसे हो सकता है? आज तरुण मोहना को पता चल गया होगा कि हम उसे ढूंढने यहाँ आने वाले हैं। उसी ने डायन द्वीप गायब किया होगा। वो बहुत चालाक है अंश, बहुत चालाक है। वो हमें परी तक पहुंचने नहीं देगी। अब हम क्या करेंगे? तुम यहां डायन की चाल देखने आई हो? वैसे तुम्हारा हक भी बनता है, क्योंकि ये सब तुम्हारे वजह से ही तो मुमकिन हुआ है। एक मिनट, तुमने कहा था मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, फिर तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? नहीं, हमने कहा था रीवा वंशी या पिया और अंश या सर्व वंशी तुम्हें नहीं ढूंढ सकते। हमने अपना नाम तो नहीं लिया था। ये मत भूलो कि अगर चुड़ैल तुम्हें छुपने में मदद कर सकती है तो तुम्हें ढूंढ भी सकती है। ठीक है, अब ये बताओ
तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा काम बिगाड़ने। पता चला मोहना के बारे में? नहीं, ना तो हमें उसके पैरों के निशान मिले हैं, ना ही उसकी आहट महसूस हुई है। तुम लोगों को पूरा यकीन है कि मोहना डायन द्वीप में ही आई है, क्योंकि अगर वो यहाँ आई है तो उसके पैरों के निशान यही होने चाहिए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा, मोहना को कहाँ ढूंढेंगे अंश? पिया, अगर तुम्हें लग रहा है कि मोहना परी को लेकर डायन द्वीप पर आई है तो वो जरूर यही आई होगी। लेकिन अंश, डायन द्वीप भी तो नहीं मिल रहा। मिल जाएगा। अगर मोहना ने डायन द्वीप को कहीं शिफ्ट भी कर दिया होगा तो वो ज्यादा दूर तक नहीं लेकर गई होगी। वो जहां भी होगी हम उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन इतना वक्त नहीं है ना आज। पूर्णिमा का चांद निकलने ही वाला है और अब तक ना हमें परी का पता चला है ना उसके प्राण प्याले का। हम कहां ढूंढें परी को?